गोयला क्लासेस के द्वारा मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। ये जो हमारा हिंदी अनिवार्य विषय है, ये आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है और इसके अंतर्गत आज हमारा ये पहला पाठ आपके साथ होगा। इसमें पाठ्यक्रम के बारे में पूर्व में विस्तार से बताया जा चुका है। इसका जो व्याकरण भाग है, उसका पहला प्रश्न संधियों का है। संधि का हिंदी के अंदर या किसी भी भाषा के अंदर, खासकर जो आपकी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है, उसमें बहुत महत्व होता है। और हिंदी क्योंकि संस्कृत से निकली हुई भाषा है, तो उसका सारा ही व्याकरण जो है वो संस्कृत से ही लगभग हिंदी में रूपांतरित हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदी की लिपि देवनागरी है, जो ब्राह्मी से निकलकर यहाँ तक पहुँची है। समय समय पर कई लिपियाँ बदलती रही हैं और जो वर्तमान में आप जिस लिपि में लिख रहे हैं, ये देवनागरी है। हिंदी हम लगभग प्रथम कक्षा से ही पढ़ते आए हैं, क्योंकि हिंदी के लोग कुछ समय के लिए पढ़ते हैं और उसके बाद दूसरे विषयों को वो चुन लेते हैं, तो हिंदी का जो ज्ञान है वो लगभग अधूरा रह जाता है। इसलिए क्योंकि हिंदी जितनी देखने में आसान लगती है, उतनी लिखने में आसान नहीं है। इसके अंदर आपके लेखन की अशुद्धियां अनेक होती हैं। हम अगर इसे प्रारंभिक कक्षा से ही आरंभ करें और उसमें देखें कि अभी हमें बहुत सारा हिंदी का ज्ञान होता नहीं है और हम हिंदी को बोलचाल की भाषा के रूप में व्यवहार में लाते हैं। वास्तव में हिंदी की जो वर्णमाला है, उसके अंदर स्वर और व्यंजन दो तरह के वर्ण जो है आपको मिलते हैं। स्वर की संख्या 11 है और व्यंजन की संख्या जो है वो लगभग 33 है। इसमें फिर जैसे ओ आ ई ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ तक हमारे ये 11 स्वर बन जाते हैं। इसी तरह से 25 हमारे पास कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग और पवर्ग, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न प फ ब भ म, ये 25। और उसके बाद य र ल व श ष स ह, ये 8, 33। 33 वर्ण, 33 व्यंजन और 11 हमारे स्वर जो हैं वो हमारे इस देवनागरी लिपि में है। उसके बाद क्ष त्र और ज्ञ, ये हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। ये मैं इसलिए आपको व्याख्यायित कर रहा हूँ कि संधियों में जाकर आपके स्वरों का और व्यंजनों का बहुत बड़ा महत्व जो है आगे आपको प्रतिपादित होगा। अब हम अपनी भाषा को प्रांजल करने के लिए संधियों का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारा जो हमारा शब्द भंडार है वो संधियों से भरा पड़ा है। अब ये संधियां कितने प्रकार की होती हैं? मूलतः संधियां जो हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक तो स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि। जब स्वरों के साथ ही संधि होती है तो स्वर संधि कहलाती है, और जब व्यंजनों के साथ संधि होती है तो व्यंजन संधि कहलाती है। इसी तरह विसर्ग संधि को भी कहा जाता है। अब स्वर, जैसे कि हमने बताया आपको कि 13-11 प्रकार के स्वर हैं, जिसमें मूलतः स्वर अ ई और ऊ और री को भी गिन लेते हैं। ये 3 या 4 स्वर जो हैं वो मूल स्वर हैं, बाकी स्वर इनसे ही बने हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं कि जैसे ओ और आ,
ये ह्रस्व स्वर है और ये दीर्घ स्वर है। इस तरह से ये ह्रस्व ई और ये दीर्घ ई, ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ, इस तरह से ह्रस्व ए और दीर्घ ए, ह्रस्व ओ और दीर्घ ओ। ये जो ह्रस्व और दीर्घ है, मेरा यहाँ पर व्याख्यात करने का ये मकसद है कि जब आप संधियाँ सीखेंगे तो संधियों में ह्रस्व और दीर्घ दोनों ही स्वर जो हैं वो विशेषतः आपको ध्यान में रखने होंगे, जहाँ तक स्वर संधि की बात है, क्योंकि इसमें बहुत सारे व्यंजन हैं। व्यंजनों की बात हम तब करेंगे जब हम व्यंजन संधि को समझेंगे। हमारा उद्देश्य प्रथमतः स्वर संधि को समझने का है। तो इस तरह से ये जो स्वर हैं इनका आपको मूलतः ध्यान रखना अनिवार्य है, ह्रस्व और दीर्घ, ह्रस्व ई और दीर्घ ई, ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ, ह्रस्व ए और दीर्घ ए, और ह्रस्व ओ और दीर्घ ओ। अब इसमें जो हमारी स्वर संधि है उसमें स्पष्ट है कि जब दो स्वरों के मेल से उत्पन्न हुआ विकार हमारे सामने आता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। यानी दो स्वरों के मिलने से जो आप एक विकार उसमें संयुक्त करते हुए आपको मिलता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं, लेकिन ये स्वरों के मध्य ही होनी चाहिए, स्वर और व्यंजन में नहीं। जब एक स्वर दूसरे स्वर के साथ मिल जाता है और एक अलग स्वर पैदा होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ये स्वर मूलतः हर एक भाषा में लगभग पाए जाते हैं। हिंदी के जो स्वर हैं उन जिनको मैंने व्याख्यायित किया है कि ये 11 प्रकार के हैं, और ये जो 11 स्वर हैं उनमें ह्रस्व और दीर्घ होंगे। जब एक स्वर ह्रस्व ह्रस्व के साथ मिलता है तो वो दीर्घ हो जाएगा, और जब एक पक्ष में ह्रस्व होगा और दूसरे में दीर्घ स्वर होगा तो दोनों मिलकर भी दीर्घ स्वर ही बनाएंगे। उदाहरण के रूप में जैसे हम ओ और दूसरी पक्ष में भी ओ, इनको मिलाकर हम आ का निर्माण करते हैं। ऐसे ही जैसे उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि जैसे परम जमा आत्मा, अब इन दोनों को मिला दिया जाए तो शब्द बनेगा परमात्मा। यहां पर म और आ दोनों जुड़ गए। ये मैं बता दूं कि जितने भी व्यंजन हैं क से लेकर म तक और य र ल व श ष स ह, इन सभी के अंदर ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी व्यंजन बिना ओ से नहीं होता। जैसे क को कौ, अगर हम संधि विच्छेद करें तो को जमा ओ, हर व्यंजन के अंदर ओ छुपा होता है, लुप्त होता है। कोई भी व्यंजन बिना ओ की सहायता से नहीं बोला जा सकता, लेकिन स्वर जो है वो इंडिपेंडेंट बोले जा सकते हैं। व्यंजन जो है वो जब तक उनके अंदर ओ नहीं है उसका उच्चारण संभव नहीं है। इसलिए क से लेकर य र ल ब श ष स ह तक सभी व्यंजनों में ओ निहित होता है। ये संधि करते समय इसका विशेष ध्यान रखना है, और जब आप व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो वहां पर इसका विशेष महत्व आपको प्रतिपादित होगा। स्वरों के अंदर मौ के अंदर, क्योंकि यहाँ ओ सम्मिलित है मौ में और यहाँ आत्मा में आ सम्मिलित है, तो दोनों का संयोग हो गया परमात्मा बना। इसी तरह से आपका विद्या जमा आले, विद्या का घर, तो यहां पर विद्या में आ और आले में आ, दोनों ओर आ, ये दोनों मिलकर आ ही दीर्घ बनते हैं। इस तरह से ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। इसी तरह से जब आप ई की बात करेंगे
कवि जमा इच्छा, यहां पर एक पक्ष में ई है और दूसरे पक्ष में भी ई है, दोनों मिलकर बड़ी ई बन जाएंगी, ये दीर्घ हो जाएगी, तो ये दोनों ही मिलकर क्या बन जाएंगी, कविच्छा। नियम वही है कि दोनों ओर समान स्वर होना चाहिए, एक ओर हरसो दूसरी ओर भी हरसो, एक ओर दीर्घ दूसरी ओर भी दीर्घ, एक ओर दीर्घ दूसरी ओर हरसो, एक ओर हरसो दूसरी ओर दीर्घ, तो भी दीर्घ स्वर ही बनेगा, इसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। इसी तरह से हरि जमा ईश, अब यहां दोनों पक्षों में इधर भी ई है और इधर भी ई बड़ी है, दोनों मिलकर ई बड़ी और दूसरे साइड की ई मिलकर बड़ी ई ही बनेगी, यानी हरस्व के साथ हरस्व अगर मिल जाता है तो भी दीर्घ बनेगा, हरस्व के साथ दीर्घ बनता है मिलता है तो भी दीर्घ ही बनेगा, दीर्घ से हरस्व मिलता है तो भी दीर्घ ही बनेगा, और दोनों साइड दीर्घ स्वर ही है तो भी दीर्घ ही बनेगा। इस चीज को विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है और इसे दीर्घ संधि कहते हैं। इसके अनेक उदाहरण हैं, मैं आपको आगे बताता हूं। इसी तरह से हम ओ और ओ का उदाहरण लेंगे, जैसे युग जमा अंतर। अब यहां पर हरसो ओ है और दूसरी साइड भी हरसो ओ है, दोनों मिलकर बड़ा आ बन जाएंगे और बन जाएगा युगांतर। इस तरह से दिव्य जमा अस्त्र, दिव्यास्त्र बन जाएगा। इस तरह से राष्ट्राध्यक्ष, दिवसांत, अस्ताचल, इस प्रकार के उदाहरण हैं। ऐसे ही आ का उदाहरण देखिए, विद्या जमा आले, यहां दोनों साइड दीर्घ आ स्वर है और ये मिलकर दीर्घ आ स्वर ही बनेगा, विद्यालय। इसी तरह से नयन जमा अभिराम, यहां दोनों ओर ओ ह्रस्व स्वर है और दोनों ओर ओ ह्रस्व स्वर जो है वो दीर्घ बन जाएगा, आ बन जाएगा, वो बन जाएगा नयनाभिराम। इसी तरह से हस्त जमा अंतरण, हस्तांतरण। इस तरह से आग्नेय जमा अस्त्र, आग्नेयास्त्र। उदय जमा अचल, उदयाचल। लोहित जमा अंग, लोहितांग। ध्वंस जमा अवशेष, ध्वंसावशेष। अद्य जमा अवधि, अद्याब्धि। इस तरह से कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे ओ के लिए। ये जैसा कि पहले मैंने बताया कि दोनों समान स्वरों में होगी, ओ जमा ओ, आ जमा आ, तो भी आई बनेगा, ई जमा ई बड़ी ई बनेगी। इसी तरह से जैसे कवि जमा इच्छा, अब यहां पर भी ई है और यहां पर भी ई है, यहां इसकी बड़ी ई बन जाएगी और बन जाएगा कविच्छा। इसी तरह से ऊ जमा ऊ, ये बढ़ेगा दीर्घ ऊ, जैसे वधु जमा उत्सव, यहां पर छोटा ऊ है, ये भी ह्रस्व ऊ है और इसकी जगह पर बड़ा ऊ हो जाएगा वधूत्सव। इस तरह से गुरु
जमा उपदेश दोनों मिलकर, यहाँ पर भी ह्रस्व उ है और ये भी ह्रस्व उ है, ये दोनों मिलकर बड़ा उ बन जाएंगे और बन जाएगा गुरुपदेश, ये उ बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये समान स्वर है और इसका जो परिणाम है वो दीर्घ में ही कन्वर्ट होगा, चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो। इसी तरह से री का भी उदाहरण है, जैसे पितृ ऋण, अब यहां पर भी री है और यहां पर भी री है, ये दीर्घ री हो जाएगी, पित पहले एक थी और ये दो लगकर पितृण हो जाएगा। इस तरह से ओ आ इ ई ओ उ री, ये जो आपके स्वर हैं इनमें आपको ये मैंने बताया कि किस प्रकार से दीर्घ कन्वर्शन होती है, दीर्घ स्वर बन जाता है इनका। बहुत सारे और भी उदाहरण हैं जिनको आप विस्तार से देख सकते हैं। दीर्घ स्वर में एक विशेष बात जो है ध्यान में रखने वाली है कि ये स्वरों का स्वरों के साथ ही मेल होगा। जब दो स्वर ह्रस्व और दीर्घ, दीर्घ और ह्रस्व, या दीर्घ और दीर्घ, या ह्रस्व और ह्रस्व आपस में मिल जाएंगे तो एक दीर्घ स्वर जो है बनाएंगे और वो जो दीर्घ स्वर है वो ही कन्वर्शन दीर्घ संधि में होगा, उसे ही दीर्घ संधि कहते हैं। इसलिए इसका नियम है कि जब सवर्ण एक प्रकार के स्वर जब आपस में मिलते हैं तो वो दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं। ये जो दीर्घ स्वर है ये हमारी स्वर संधि का पहली संधि है जिसे हम दीर्घ स्वर दीर्घ संधि कहते हैं। उसके बाद हम जो दूसरी संधि आज समझेंगे वो संधि है हमारी गुण संधि। गुण संधि के लिए एक विशेष ध्यान रखने वाली चीज है, गुण संधि में हमें एक विशेष ध्यान रखना कि जब ओ आ के बाद, ओ आ के बाद ई और ई आए तो उन्हें ए हो जाता है। एक तो ये कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है कि अगर उ आए तो ओ हो जाता है या औ हो जाता है, री आए तो आर हो जाएगा, संधि में दो पक्ष होते हैं, प्लस चिन्ह के एक पूर्व पक्ष होता है और एक उत्तर पक्ष होता है। जब पूर्व पक्ष में ओ या आ के बाद ई या बड़ी आए तो ओ और ई मिलकर ए में बदल जाएगी और ए उसे गुण कर देगा। उदाहरण के रूप में देव और इंद्र, गुण संधि। देव और इंद्र, यहां पूर्व पक्ष में वो में ओ है और उत्तर पक्ष में ई है, जब ओ और ई मिल जाएंगे तो इनको गुण हो जाएगा और ये ए में कन्वर्ट हो जाएगा। देव जमा इंद्र बराबर है देवेंद्र। ओ और ई मिलकर ए बन जाएंगे, देवेंद्र इसका उदाहरण है, देव जमा इंद्र। इसी तरह से उपेंद्र, उप जमा इंद्र, यहां पर ओ है और ये ई है
ये दोनों मिलकर ए, ए बन जाएंगे, उपेंद्र बन जाएगा, गुण हो जाएगा। इसी तरह से आ का उदाहरण देखो, महा जमा इंद्र, यहां पर आ है और ये ई है, आ और ई मिलकर भी ए हो जाएंगे और ये बन जाएगा महेंद्र। इस तरह से रमा और ईश, ये यहां पर आ दीर्घ है और ये भी ई दीर्घ है, ये दोनों मिलकर बन जाएंगे, ए हो जाएगा रमेश। इस तरह से महेश, महा जमा ईश, आ और ई मिलकर ए बन जाएंगे, बन जाएगा महेश। इस तरह से ऊ का उदाहरण भी देखिए, चंद्र जमा उदय, अब यहां ओ है और ये ऊ है तो इनका कन्वर्शन हो जाएगा ओ में, गुण हो जाएगा और बन जाएगा चंद्रोदय। ऐसे री का देव और ऋषि, अब री को अर हो जाएगा देवर्षि। इस तरह से ये गुण संधि के उदाहरण है। विस्तार से इसको आप देख सकते हैं। आज हमने दो संधियां जो पढ़ी है, एक तो संधि होती क्या है और उसके बाद हमने पढ़ा है कि संधि के रूप कितने हैं। तो संधि जो है, स्वर संधि जो है, उसके पांच भेद हैं। आज हमने एक दीर्घ संधि और गुण संधि, दो संधियों के बारे में विस्तार से पढ़ा और इसका अभ्यास करके आप इसमें महारत हासिल कर सकते हैं। दोनों संधियों की जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको इसमें मिल जाएगी, गुण संधि और दीर्घ संधि। आज बस इतना ही, धन्यवाद।